नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ महिलाओं की ओवरी से जुड़ी एक समस्या है, जिसमें जो हॉर्मोन्स हैं फीमेल्स में, कुछ हॉर्मोन्स मेल के रहते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स को कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। मुख्य रूप से उनकी प्रेगनेंसी और पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके चेहरे पर बाल आ जाते हैं, बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं, या फिर उनके चेहरे पर बहुत सारे एक्ने आ जाते हैं। इसी के साथ साथ और कई सारी समस्याएं उन्हें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में हमें सलाह दी जाती है कि पीसीओडी को हम अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करके, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके। तो उसी से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दालचीनी पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है, पीसीओडी के सिम्टम्स हैं, उससे हमें बचाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दालचीनी जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर लेवल जो ज़्यादा हो जाता है उसे कम करता है। तो यानी सीधे तौर पे कहें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें ये काफ़ी हद तक हमें मदद करता है, उससे हमें दूर रखने में मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो हार्मोन इम्बैलेंस की आती है, जिसमें कि जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन वो बढ़ जाता है। उसका स्तर बढ़ने की वजह से ही जो फीमेल्स हैं उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, इनरेगुलर हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके चेहरे पर बाल आने लगते हैं। तो ये सारी समस्याएं इस हॉर्मोन्स के बढ़ने से होती हैं, और दालचीनी इस एंड्रोजन हॉर्मोन को ही बैलेंस करता है, इसके स्तर को कम करता है। नेक्स्ट, दालचीनी ओवुलेशन में हेल्प करता है, और जब ये ओवुलेशन में हेल्प करेगा तो आपके पीरियड्स टाइम से आएंगे और आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा देखा गया है, एक स्टडी हुई जिसमें ये पाया गया जिन भी फीमेल्स को दालचीनी दी गई, उनके आहार में दालचीनी शामिल की गई, उनके पीरियड्स औरों की अपेक्षा टाइम से आए हैं, रेगुलर हुए हैं। तो दालचीनी इस तरीके से आपके पीरियड्स को भी रेगुलर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट, पीसीओडी और पीसीओएस में एक समस्या हो जाती है वजन बढ़ने की, और दालचीनी इसमें आपकी काफ़ी हद तक मदद करती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता नहीं है, आपका वजन बैलेंस रहता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो ये जो फ्री रेडिकल्स से हमारे शरीर में नुकसान होता है उससे भी हमें बचाती है। तो अब जानते हैं दालचीनी का सेवन कैसे करें, इसकी सही मात्रा क्या है। तो आपको दालचीनी 1/4 चम्मच ही लेना है, यानी 1 छोटी चम्मच ही लेना है, इससे ज़्यादा आपको दालचीनी का सेवन नहीं करना है। आप दालचीनी का सेवन चाय के रूप में कर सकते हैं। सुबह सुबह आप 1 ग्लास पानी को अच्छे से गर्म करें, उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी ऐड करें, उसे अच्छे से बॉयल करें, 10 मिनट उबलने के बाद आप इसे छान कर पी सकते हैं चाय के रूप में। या फिर आप दालचीनी और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी और शहद को आपस में मिक्स करें और उसे आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं, या फिर आप इसे पानी में भी मिक्स कर ले सकते हैं। इन सब के अलावा जो भी आप भोजन ले रहे हैं, जैसे दलिया, स्मूदी, सलाद या सब्जियां, इन पर भी आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें आप दालचीनी को ऐड कर सकते हैं और इनका सेवन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।